Hello and welcome to Hit Bullseye. My name is Manish and this is your weekly dose of current affairs. The bulldoze for the fourth week of March 2023. So the month of March has come to an end and also the financial year 2022-23 has come to an end. There are certain important events that have happened in the last 1 week which we will take a look at in this particular video. So let's get started without wasting any time. Starting with the first one, and this is going to be an interesting one, Ashneer Grover. So everyone remembers Ashneer Grover from Shark Tank. You know, earlier very few people used to know Ashneer Grover, but Ashneer Grover famous ho gaye hain. There is a term, which is a phrase actually, bhai kya kar raha hai tu? So this is a very famous phrase from Ashneer Grover that he used to say a lot in the Shark Tank season 1, jisme startups ke liye, startup jo hai wo funding ke liye pitching karte the. So Ashneer Grover is the co-founder of BharatPay. So now he has launched CrickPay. So we will see what is CrickPay. Next, Rani Rampal is a hockey player, prominent hockey player of India. ये भी न्यूज़ में है क्योंकि इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया है, which is a first. Like first for the first time, a stadium named after a female hockey player. तो ये एक रिकॉर्ड एक तरह से बन गया है. नेक्स्ट, वन वर्ल्ड टीबी समिट और वन वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस समिट जो है ये अभी अभी होल्ड की गई है वाराणसी में, तो इसके बारे में इस पे हम नजर डालेंगे ये क्या है. नेक्स्ट, दिलमा रूसफ इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक. ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, सो ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. इनका एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, विच इज देयर टू राइवल और लेट्स से टू कम्पीट विद वर्ल्ड बैंक. इसकी नई प्रेजिडेंट अपॉइंट हुई है दिलमा रूसफ. देखेंगे कि कौन है दिलमा रूसफ और थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी देखेंगे. देन फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स. पहली बार किसी ने एलिफेंटा केव्स तक, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के से लेकर एलिफेंटा केव्स तक जो वाटर डिस्टेंस है वो तैर कर पार किया है. तो देखेंगे कि कौन है ये. अदरवाइज वी हैव ऑलवेज बीन हियरिंग अबाउट आइदर द इंग्लिश चैनल, और अगर इंडिया की बात करें तो पार्क स्ट्रेट के बारे में हमने सुना है कि तैर के इसको किसी ने पार किया हो, लेकिन पहली बार किसी ने ये वाला स्ट्रेच तैर के पार किया है. सो वी विल सी हु दैट पर्सन इज. नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है. हम देखेंगे किसको दिया गया है और क्यों दिया गया है. सऊदी अरेबिया बिकम्स SCO डायलॉग पार्टनर. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशंस टू विच इंडिया इज होल्डिंग प्रेसिडेंसी. इस साल इंडिया दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एक G20. तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने सऊदी अरेबिया को डायलॉग पार्टनर की तरह एक्सेप्ट किया है. नेक्स्ट, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा, सर एलेक्स फर्ग्यूसन एंड आर्सेन वेंगर, दोनों आई थिंक द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फुटबॉल कोचेस, दे हैव बीन इंडक्टेड इनटू प्रीमियर लीग हॉल ऑफ फेम. प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम में इन कोचेस को जगह मिली है. नेक्स्ट, शेख मंसूर इज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. UAE, इसकी कैपिटल अबू धाबी है, उसके नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं शेख मंसूर. नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी आयरोनिक न्यूज एंड अ वेरी, यू डोंट रियली नो वेदर यू शुड फील सैड अबाउट दिस न्यूज और गुड अबाउट दिस न्यूज. ये न्यूज एक ऐसे एथलीट के बारे में है जिनका नाम है लशिंदा डेमोस. लशिंदा डेमोस US की एक स्प्रिंटर थी. इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन अब 10 साल बाद हमें ये पता चला है कि उस रेस में जिस प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता था वो उस टाइम एक स्टेरॉयड उन्होंने लिया हुआ था. शी वॉज अंडर द इम्प्रेशन ऑफ अ स्टेरॉयड, तो इसलिए उनका गोल्ड अब कैंसिल हो गया. सो नाउ हर सिल्वर हैज़ बीन अपग्रेडेड टू गोल्ड, लेकिन वो जो 10 साल बीत गए हैं वो तो बीत गए हैं. सो शी वॉज नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ बींग एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, बट 10 साल बाद अब इन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया गया है. तो ये न्यूज़ है. नेक्स्ट, स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया है.
राइट, सिंपल एंडोर्समेंट की न्यूज है. और फाइनली इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क का लिंक पहला एक्टिवेट किया गया है इंडिया में. दैट इज व्हाट दिस न्यूज इज अबाउट. देखते हैं अब एक एक करके सारी न्यूज. सबसे पहले अश्नीर ग्रोवर लॉन्चेस क्रिक पे. सो क्रिक पे बेसिकली क्या है, आप लोगों ने एड्स देखी होंगी, ड्रीम इलेवन की एड्स. ड्रीम इलेवन पे टीम बनाओ राइट, उसमें पैसे जीतो. तो बेसिकली होता क्या है कि आपको जब भी कोई मैच हो रहा होता है उसके पैरेलल आपको एक ऐप होती है जिसमें जाके आपको अपने फेवरेट प्लेयर्स से एक टीम बनानी होती है, अपने प्लेयर्स चूज करके कि दैट दिस इज द बैट्समैन, दिस इज द कैप्टन, दिस इज द वाइस कैप्टन, दिस इज द बोलर एंड ऑल दैट. तो उस दिन उस मैच में जो प्लेयर्स होंगे उन्हीं में से आप वो एक टीम बनाओगे दोनों टीम्स को मिक्स करके. तो जो प्लेयर जैसा परफॉर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं. तो आपका इट्स लाइक गैम्बलिंग बट यू आर डूइंग इट इन अ कैलकुलेटेड वे. तो आप जितना अच्छा प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आज कौन से प्लेयर अच्छे खेलेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पैसे जीत सकते हैं. और इसमें कुछ पैसे लगाने भी होते हैं, यू नो. सो दीज डेज देयर आर लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो दैट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज सच ऐप्स then please beware because they can be addictive, because you know gambling की एक addiction वगैरह लग सकती है. तो उसी तरह से अब अश्नीर ग्रोवर ने भी अपनी एक ऐसी ही app लॉन्च की है. This is basically cricket focused fantasy sports app. एक fancy नाम है इसको कहने का, otherwise it is like you put some money into the teams and you can win something. तो लाखों लोग पैसे लगाएंगे, so they will also this company will also earn a lot. तो अश्नीर ग्रोवर भारत पे के को फाउंडर रह चुके हैं, ग्रोफर्स के को फाउंडर रह चुके हैं, और दोनों ही यूनिकॉर्न्स हैं. यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन कंपनीज हैं, राइट. लेकिन दोनों ही ये छोड़ चुके हैं. तो इन्होंने अपनी कंपनी जो भारत पे छोड़ने के बाद रजिस्टर की उसका नाम इन्होंने रखा थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड. सो ही सो कॉन्फिडेंट दैट ही इज गोइंग टू वट एवर कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट इट इज गोइंग टू बिकम अ यूनिकॉर्न. कंपनी का नाम ही रजिस्टर किया है थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड, राइट, बिकॉज ही इज कॉन्फिडेंट दैट भारत पे वॉज द फर्स्ट यूनिकॉर्न, ग्रोफर्स वॉज इज सेकेंड, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड यूनिकॉर्न. तो इस कंपनी के अंडर क्रिक पे जो है ये एक ऐप इन्होंने लॉन्च की है. सीड फंडिंग इनको मिल गई है, राइट. शुरू के लिए $4 मिलियन की सीड फंडिंग मिली है और आईपीएल मैचेस को ये टारगेट कर रहे हैं. बेसिकली आईपीएल इज स्टार्टिंग 31 मार्च, यस्टरडे उसका जो है ओपनिंग सेरेमनी थी. तो आईपीएल शुरू हो गया, तो आईपीएल ने जो क्रिक पे है इस पे आप इसके मैचेस को आप इसमें टीम बना सकते हो एंड ऑल दैट इज हैपनिंग. सो इट अलाउज यूजर्स अबव 18 ईयर्स टू क्रिएट वर्चुअल क्रिकेट टीम्स and participate in paid contests. So, इस तरह की एक app है. So, it remains to be seen whether this venture turns out to be successful or not, because Ashneer Grover लोगों में काफ़ी famous हो चुके हैं. और इनकी एक book भी आई थी, उस book का नाम है दोगलापन. That is the name of the book that he has written. Right? So, that is about Ashneer Grover. आगे चलते हैं. रानी रामपाल, one of the prominent women hockey players of India, रानी रामपाल, इनके नाम पे रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम है रायबरेली में, उसका नाम रखा गया है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ. रानी मींस रानी रामपाल, सो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इनके नाम पे रखा गया है. पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट वुमन इन हॉकी टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर. और ये वुमन है, मैन नहीं, क्योंकि मैन में तो वी हैव ध्यानचंद, तो ध्यानचंद जी के नाम पे है ध्यानचंद स्टेडियम, राइट. सो फर्स्ट वुमन हॉकी प्लेयर जिनके नाम पे स्टेडियम रखा गया है, मैन हॉकी प्लेयर के नाम पे ऑलरेडी है. यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट हॉकी प्लेयर टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर, लाइक ओवरऑल मैन वुमन मिला के, तो फर्स्ट हॉकी प्लेयर वॉज मेजर ध्यानचंद, लेकिन फर्स्ट वुमन हॉकी प्लेयर टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर, दैट इज रानी रामपाल. रानी रामपाल भी एक बार के लिए स्पोर्ट एक तरह से छोड़ दिया था, बट इस साल कम बैक किया है इन्होंने, राइट. तो 2022 में शी मेड अ सक्सेसफुल कमबैक, एंड लास्ट टाइम ये विमेंस हॉकी प्रो लीग 2021-22 में खेली थी, राइट. टोक्यो ओलंपिक्स में इनको इंजरी हो गई थी, वर्ल्ड कप से कॉमनवेल्थ गेम्स में ये नहीं खेल पाई थी, लेकिन इस साल इन्होंने कमबैक किया है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट. नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, वन वर्ल्ड टीबी समिट. तो टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके इंडिया में बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, और इंडिया ने पिछले साल ही
टीबी मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है। टीबी मुक्त भारत, दैट मीन्स टीबी फ्री इंडिया। तो इस कैंपेन के अकॉर्डिंग पहले जो हमने डेडलाइन सेट की थी वो 2030 थी, लेकिन गवर्नमेंट ने डेडलाइन एडवांस करके 2025 कर दी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इरेडिकेटिंग टीबी बाय 2025 वाज द न्यू एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, वाज द न्यू टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये वन वर्ल्ड टीबी समिट करवाई गई है, कहाँ पे? वाराणसी में। किस ओकेजन पे? वर्ल्ड टीबी डे, 24th of March। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24th of March के ओकेजन पे वाराणसी, जो कि प्राइम मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी भी है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी भी है, वहाँ पे वन वर्ल्ड टीबी समिट करवाई गई। और इसमें इंडिया का जो एजेंडा है कि हमने 2025 तक टीबी फ्री हो जाना है, यानी कि अगले 2.5 साल में, तो वो रीइटरेट किया गया। इसके अलावा जिन जिन स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको भी रिवॉर्ड किया गया, जिसमें कर्नाटका और जम्मू एंड कश्मीर जो हैं ये टीबी फ्री हो गई हैं, तो इनको ऑनर किया गया। तो कर्नाटका स्टेट्स में और जम्मू कश्मीर यूटीज में दे हैव बिकम टीबी फ्री। यहाँ पे कोई भी टीबी पेशेंट नहीं मिला है पिछले एक सिग्निफिकेंट टाइम ऑफ पीरियड्स, तो इसलिए इनको भी रिवॉर्ड किया गया। नेक्स्ट, सो दिस वुमन हियर इज दिल्मा रूसफ। शी हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, राइट? ये करीब 6 साल के लिए ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और अब इन्हें ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट बनाया गया, राइट? सो ब्रिक्स बेसिकली क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज़ की मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इट स्टार्टेड एज ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका में इसको इसमें ऐड कर लिया गया। तो इन्होंने मिलके एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर बनाने की कोशिश की, बिकॉज अभी तक जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोमिनेट करता है। किसी भी कंट्री को लोन चाहिए तो वो वर्ल्ड बैंक से लेती, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज देन डोमिनेटेड बाय यूएस। उसी तरह से किसी कंट्री को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में असिस्टेंस चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, तो वो IMF से के पास जाती है। IMF इज ऑल्सो डोमिनेटेड बाय US, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग इन इंस्टीट्यूशंस को US से आती है। तो इसलिए ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन दे डेवलप्ड देयर ओन बैंक, दैट वाज NDB और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये इन्होंने बनाया 2014 में, 2014, और तब से ये चल रहा है, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं शंघाई, चाइना में। तो इस बैंक को चलाने के लिए अब दिल्मा रूसफ को चुना गया है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मार्कस ट्रॉयजो। इससे पहले मार्कस ट्रॉयजो न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट थे। तो दिल्मा रूसफ की बात करें तो ये ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेसिडेंट थी इसलिए उन्हें बना दिया गया है, बिकॉज किसी इतने स्पेशलिस्ट बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक इंसान को इकोनॉमिक्स की बहुत स्ट्रांग नॉलेज होनी ज़रूरी है। सो शी इज़ अ फॉर्मर इकोनॉमिस्ट एज वेल, इसलिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। ब्राज़ीलियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन, हु सर्वड एज द 36th प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील फ्रॉम 2011 टू 2016। Right, so Dilma Rousseff, new president of New Development Bank. Next, so this gentleman here is an IPS officer, right? तो ये बहुत fitness enthusiast है, इनका नाम है कृष्ण प्रकाश। तो ये बहुत बड़े fitness enthusiast है, और इन्होंने Gateway of India से लेकर Elephanta Caves तक का जो distance है वो तैर कर पार किया है। फर्स्ट पर्सन ही हैज बिकम, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया एक तरह से। सो जो डिस्टेंस था वो 16 किलोमीटर का था, ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर, जो कि इन्होंने 5.5 घंटे में तैर कर पार किया, 5 hours 26 minutes, एंड हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन हिस्ट्री टू डू सो। इससे पहले ये दुनिया की सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी कर चुके हैं, विच इज़ आयरन मैन ट्रायथलन, इसीलिए इनका निक नेम आयरन मैन भी है। तो आयरन मैन ट्रायथलन ये कर चुके हैं, जिसमें 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग होती है, फिर 180.2 किलोमीटर की बाइसिकल राइड होती है, फिर 42.2 किलोमीटर की रनिंग होती है। ये तीनों एक्टिविटीज इन्होंने एक साथ 16 से 17 घंटे में कंप्लीट कर ली थी। सो दैट इज व्हाट हिज अचीवमेंट हैज बीन।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जम्मू कश्मीर यूटी ने यह अवार्ड किया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया गया है? आलिया मीर। आलिया मीर को दिया गया है अवार्ड। कौन है आलिया मीर? सबसे पहली बात तो शी इज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ SOS एंड इज द फर्स्ट वुमन इन द रीजन टू रिसीव दिस अवार्ड। ठीक है जी, सो फर्स्ट वुमन टू रिसीव इट एंड शी सर्व्स एज द हेड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वाइल्ड लाइफ SOS प्रोग्राम। वाइल्ड लाइफ SOS प्रोग्राम क्या है ये देखते हैं। बट शी हैज अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन रेस्क्यूइंग wide range of animals including birds, Asiatic black bears and Himalayan brown bears. तो basically wildlife SOS क्या करती है, नाम से पता चल रहा है SOS का मतलब है कि जब भी कोई problem में होता है तो calls for help. तो wildlife SOS का मतलब है कि कोई भी wild animals जिनको किसी भी तरह से कोई problem है उनको preserve करना, बचा के रखना, वापस उन्हें wildlife में release कर देना, ये इस organization का काम है। So wildlife SOS is a non-profit organization based in India that focuses on rescuing and rehabilitating wildlife in distress. जैसे जानवर जो है वो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट होता है, जानवर जो है वो पॉपुलेटेड एरियाज में आ जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ SOS वाले लोग उन्हें पकड़ के आराम से रखते हैं और वापस उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं इंस्टेड की यू नो इंसान उन्हें मार दें। सो दे प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट अ वाइल्ड लाइफ एंड दे एंश्योर देयर रिहैबिलिटेशन एज वेल। 1995 में वाइल्ड लाइफ SOS नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और अब तक ये हजारों एनिमल्स को जिसमें कि एलिफेंट, बियर्स, लेपर्ड्स और स्नेक्स तक शामिल हैं इन सब को वापस जंगलों में छोड़ चुके हैं, उनको रिहैबिलिटेट कर चुके हैं। सो दे आर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एक्चुअली, विच इज अ नोबल कॉज। तो इसलिए आलिया मीर को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 8 मेंबर्स हैं और एक ईरान है जिसने अप्लाई किया हुआ है अभी, इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। तो इसके 8 फुल मेंबर्स हैं और ईरान ने भी अप्लाई किया हुआ है, तो एक तरह से 9 मेंबर्स हो जाएंगे। लेकिन फुल मेंबरशिप होना इज नॉट द ओनली थिंग दैट अ कंट्री कैन एसोसिएट इटसेल्फ विद। डायलॉग पार्टनर्स भी होते हैं जिनकी फुल मेंबरशिप नहीं होती, लेकिन जब भी कोई डिलीबरेशंस डिस्कशंस होती हैं तो उन्हें उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो अभी अभी सऊदी अरेबिया को एक्सेप्ट किया गया है SCO के डायलॉग पार्टनर की तरह, और सऊदी अरेबिया की तरफ से प्रेसिडेंट किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज, जो है इन्होंने इस चीज़ को अप्रूवल दी है। राइट, सो चाइना और रशिया के साथ इनकी टॉक्स चल रही थी ऑलरेडी कि SCO का मेंबर बनना चाहते हैं, डायलॉग पार्टनर बनना चाहते हैं। तो मेजर कंट्रीज की अगर बात करें तो रशिया इसका मेंबर है, चाइना का इनिशिएटिव था जिसपे SCO बना था, उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो इसकी मेंबर्स हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो चारों ये कंट्रीज हो गई प्लस रशिया एंड चाइना प्लस इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये 8 कंट्रीज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं और 9th मेंबर ईरान बनेगा एंड सऊदी अरेबिया को डायलॉग पार्टनर की तरह एक्सेप्ट किया गया है। ये ही इस न्यूज़ का क्रक्स है। नेक्स्ट, सो दीज टू जेंटलमैन ओवर हियर, दे आर सम ऑफ द यू नो टू ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस एवर इन फुटबॉल हिस्ट्री। राइट, so this gentleman is Sir Alex Ferguson and this gentleman is Arsene Wenger or Wenger. तो ये दोनों प्रीमियर लीग के सबसे प्रोमिनेंट कोचेज हैं। जो एलेक्स फर्ग्यूसन हैं ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच रह चुके हैं और जो आर्सेन वेंगर हैं ये आर्सेनल के कोच रह चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैनेजर्स को हॉल ऑफ फेम में डाला गया। हॉल ऑफ फेम बेसिकली इज़ लाइक an exclusive club in which the people who have contributed the most to a particular field are included. जैसे कि let us say कि cinema में अगर hall of fame होता है तो किसी ने भी cinema में कोई बहुत बड़ी contribution दी हो, जैसे कि singers, actors, directors वगैरह, उनको hall of fame में जगह दी जाती है। It's like lifetime achievement sort of a thing. तो उसी तरह से 2021 में
प्रीमियर लीग ने भी अपनी हॉल ऑफ फेम शुरू किया, उससे पहले नहीं होता था। तो प्रीमियर लीग में जो भी टॉप नॉच फुटबॉलर्स होंगे या फिर मैनेजर्स होंगे उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सो एलेक्स फर्ग्यूसन एंड आर्सेन वेंजर हैव बीन द मैनेजर्स ऑफ दीज टू टॉप फुटबॉल क्लब्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल, राइट। इनकी दोनों की काफ़ी साल तक राइवलरी रही 1990s में, राइट। 16 टॉप फ्लाइट टाइटल्स इन दोनों क्लब्स के नाम है, 16 टाइटल्स सिर्फ इन दोनों क्लब्स ने आपस में जीते हैं। जैसे कि एलेक्स फर्ग्यूसन की बात करें तो 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हैं इन्होंने फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और अगर हम बात करें आर्सेन वेंजर की तो इन्होंने 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हैं, FA कप्स और बहुत सारी चीज़ें। तो दीज टू हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर्स ऑफ फुटबॉल क्लब्स। और ये जो हॉल ऑफ फेम है ये अभी 2021 में ही लॉन्च किया गया है, इट्स अ न्यू फिनोमेनन। देन वी हैव द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ UAE, बहुत ही सिंपल सी न्यूज़ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान, शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। ये शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि UAE के प्रेसिडेंट हैं उनके भाई हैं। सो इट इज़ लाइक द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नाउ आर ब्रदर्स, बिकॉज दोज आर नॉट लाइक डेमोक्रेसीज, वो एक बहुत ही डिफरेंट सिस्टम है, थियोक्रेसी भी कह सकते हैं इसको या फिर इसको डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। इट्स लाइक नो प्रॉपर इलेक्शंस और समथिंग लाइक दैट इज हेल्ड, देयर इज अ एक्सटेंडेड फैमिली व्हिच होल्ड्स ऑल द पोजीशंस इन दीज किंगडम्स, दीज आर किंगडम्स एक्चुअली, राइट। एमिरेट है ये, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो एमीर्स या सुल्तान्स जो है वो इनको चलाते हैं, राइट। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। Next, so this is the news I was saying that, you know, we don't know whether to feel good about it or bad. So, she is the athlete. Her name is Lashinda Demus. She. So, here you can see the finish line. Right? So, yahan pe aap wo 2012 London Olympics ka finish line dekh sakte hain. So, the difference between the silver medalist Demus and the gold medalist was merely 0.07 seconds, which is वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन यहाँ पे जो डेमोस हैं वो सिल्वर मेडल से उन्हें यू नो शी हैड टू सेटिस्फाई हरसेल्फ। लेकिन अब पता चला है कि जो गोल्ड मेडल जिनको मिला था, अंत्युक करके इनका नाम है, अंत्युक, दैट शी वॉज इंडल्ज इन द रशियन डोपिंग स्कैंडल। इसलिए 2012 से 13 तक की इनकी सारी जो भी यू नो चैम्पियनशिप्स हैं उनके सारे मेडल्स जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। सो टेक्निकली जो सिल्वर मेडलिस्ट है नाउ शी इज़ द फास्टेस्ट बिकॉज उनका डोप क्लियर आया था, तो अब उनको रखा गया है गोल्ड मेडल के लिए। सो लशिंदा डेमोस ऑफ USA हैज़ नाउ गॉट द गोल्ड मेडल। ऑल्दो दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ऐसा कोई डिसीजन 10 साल बाद अगर आता है, जनरली डोपिंग टेस्ट बहुत क्विकली होता है, उसी टाइम पर पता चल जाना चाहिए या मैक्सिमम कुछ दिन बाद, तो बहुत सालों बाद इसका आना कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज इट्स लाइक ओलंपिक्स कमिटी और ओलंपिक्स बॉडीज मोर प्रो वेस्टर्न एंड दे आर ट्राइंग टू टेक ऑल द मेडल्स फ्रॉम द रशियन एथलीट्स। तो ऐसा कुछ भी लग रहा है, रशियन डोपिंग स्कैंडल का नाम लगा के काफ़ी सारे एथलीट्स को इस तरह से किया जा रहा है, दैट ऑल्सो इज अ कॉन्ट्रोवर्सी, बट वी डोंट नो वट इज ट्रू। रणवीर सिंह स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, यू नो साइटिंग हिज पॉपुलैरिटी अमंग द यूथ, सो ही हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स नाउ। एंड वट विल ही बी एंडोर्सिंग, आप लोगों को जान के शायद हैरानी होगी कि जो स्टार स्पोर्ट्स है ये वॉल्ट डिज्नी कंपनी का एक पार्ट है, इसकी ओनर जो है वो वॉल्ट डिज्नी है। एनीवे, सो वॉल्ट डिज्नी की स्टार स्पोर्ट्स जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रणवीर सिंह, एंड IPL मैचेस के लिए ये एंडोर्समेंट करेंगे, स्टार स्पोर्ट्स पे आएंगे सारे IPL मैचेस। इसके अलावा ये बाकी स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी इन्वॉल्व रहेंगे, जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल, प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी, एशिया कप एंड ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि इस साल इंडिया में ही होने वाला है। तो इन सब के लिए रणवीर सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट एंड फाइनली द लास्ट न्यूज, इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग मीन्स व्हेन यू कैन डू कैलकुलेशंस एट अ रियली रियली फास्ट स्पीड,
massive speed, like millions or billions or trillions of calculations when can be handled at the simultaneous time and can be done very fast. That is called quantum computing. So quantum computing based telecom network link ka kya matlab hua? सबसे पहले तो कहाँ ऑपरेट किया गया है, संचार भवन और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के बीच में इसे एस्टैब्लिश किया गया है. और इसे किसने लॉन्च किया? टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने इसको लॉन्च किया है. इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक हैकाथन भी लॉन्च की, राइट. तो ये नेटवर्क जैसे लॉन्च किया उसके बाद चैलेंज किया गया लाइक पॉजिटिव वे में कि कोई भी हैकर अगर इस सिस्टम को हैक कर सकता है तो हर हैक के लिए उसे 10 लाख रुपये एज अ रिवॉर्ड मनी दी जाएगी, राइट. इट इज़ लाइक गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है कि लोग हैक करें ताकि सिस्टम्स की कमियां पता चले और गवर्नमेंट उन्हें ठीक कर सके. तो हैकर्स को एनकरेज करने के लिए 10 लाख रुपीज़ पर हैक की जो है प्राइज मनी रखी गई है. तो अगर कोई भी सिस्टम को हैक करके दिखाएगा तो हर बार हैक करने के गवर्नमेंट उसे 10 लाख रुपये प्राइज मनी देगी, राइट. सी डॉट ने ये सिस्टम डिवेलप किया है एंड इट यूजेज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स. बहुत फास्ट कैलकुलेशंस होती हैं. इट प्रोवाइड्स अ मोर सिक्योर मेथड देन ट्रेडिशनल नेटवर्क्स. पहली बात तो इतनी ज़्यादा हाई कंप्यूटिंग होने की वजह से जो नेटवर्क है वो बहुत सिक्योर हो जाता है. दूसरी बात, इट मेक्स इट हार्ड टू इंटरसेप्ट और हैक द कम्युनिकेशन. ये बहुत ही डिफिकल्ट सिस्टम है हैक करना. दिस टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द टेलीकॉम इंडस्ट्री बाय एनेबलिंग फास्टर, मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर कम्युनिकेशन. तो हर तरह से जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे और फास्ट भी हो जाएंगे. और इंडिया को अभी इसकी ज़रूरत है. आने वाले टाइम में हम 6G के ऊपर रिसर्च शुरू करने वाले हैं. 4G ऑलरेडी इंडिया में अच्छा चल रहा है, 5G कई शहरों में लॉन्च हो चुका है, 6G के बारे में अभी बात चल रही है. तो अगर हमें इतने फास्ट नेटवर्क चाहिए, उसको सिक्योर भी रखना है और एफिशिएंट भी रखना है, तो हमें क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे networks link karne padenge. So that is what is the meaning of this. But this is just the beginning, right? It shows that India is moving towards let's say more efficiency in telecommunication. Sabhi sectors mein waise to zaruri hai. So that is all for this week, everyone. Agar aapko koi bhi video se doubt ho ya aapko koi bhi suggestion ho, please let me know in the comment section below. See you next week. Till then, this is me, Manish Mittal, signing off. Thank you.